रोड ऐसी हो रही ना यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये तो अभी हम जा रहे हैं रानीखेत शादी में, तो उसी के लिए हम ये तैयार हुए हैं। और मॉर्निंग के जो हमारे काम होते हैं वो मैं सारे कर चुकी हूँ, और ब्रेकफास्ट बन चुका है। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और टाइम से हम यहाँ से निकलेंगे, ताकि हमें और लोगों से भी मिलने का मौका मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो इसलिए फटाफट हम कर लेते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं रानीखेत। टाइम से हम यहाँ से निकलेंगे, ताकि हमें और लोगों से भी मिलने का मौका मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो इसलिए फटाफट हम कर लेते हैं नाश्ता और फिर चलते हैं रानीखेत। फिर हम आपको दिखाएंगे हमारे पुराने पड़ोसी, देखो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं कितने लोग नहीं मिलते हैं। तो अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और चलते हैं रानीखेत। HMT कॉलोनी अमृतपुर। तो अभी हम रानीबाग से आगे हैं और ये है छोटा कैलाश जाने का रास्ता। यहीं से छोटा कैलाश जाते हैं, जो अभी तक हम गए नहीं हैं। देखो कब आता बुलावा वहाँ जाने का। और यहाँ के ये हरे भरे जंगल जो आग की भेंट चढ़ चुके हैं, इतनी आग यहाँ पे लगी हुई है कि सारी हरियाली यहाँ पर की, सारी खूबसूरती यहाँ की ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे लगता था, हरा हरा, ठंडी ठंडी हवा। हवा तो है फिर भी, लेकिन हरियाली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और अभी हम पहुँच चुके हैं ये जेलीकोट मार्ग पे। ये जेलीकोट वाला रास्ता है और हम जाएंगे भीमताल के रास्ते से। हम हमेशा ये भीमताल के रास्ते से ही होते हुए जाते हैं। और अब ये आ गया है पुल। तो यहाँ पर भी दो पुल हैं, एक पुल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, अभी नया पुल बना हुआ है यहाँ पर ये। और ये इसी के नीचे से ना गोला नदी बहती है, जो हल्द्वानी की प्रसिद्ध नदी है, गोला नदी। और अभी हम पहुंच चुके हैं सलड़ी। तो सलड़ी से आगे का एक जो पॉइंट है, वहाँ से ना हल्द्वानी बहुत सुंदर दिखता है, रात के समय विशेषकर। तो इतना सुंदर दिखता है ना कि पूछो मत, बहुत सुंदर दिखता है। और लेकिन इस समय ना इतनी ज़्यादा धुआँ है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी हम हल्द्वानी से जो एक बिल्डिंग दिखती है, हल्द्वानी काठगोदाम से, सफ़ेद रंग की, तो वो यही बिल्डिंग है स्कूल। ये वाला स्कूल दिखता है, ग्रीन माउंट ग्लोबल स्कूल, तो साफ चमकता है वहाँ से ये वाली बिल्डिंग हल्द्वानी काठगोदाम से। ये है भीमताल। तो भीमताल की सुंदरता के बारे में तो कहना ही क्या। तो बहुत सुंदर ताल है और इस समय पानी से पूरा भरा हुआ है ये। और लेकिन आग लगने की वजह से ना पूरी धुंध छाई हुई है, तो एकदम से किधर नहीं आ रहा है। तो ताल ना ये बहुत बड़ा है, और जहाँ से ये शुरू होता है ना, वहाँ पे पानी कम है और पूरा ताल सारा भरा हुआ है पानी से, लेकिन ना धुएं की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। भवाली के आसपास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ना रोड सही करने का काम चल रहा है। और ये देखिए नदी, इनमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है ना मात्र का। और अभी हम पहुँच चुके हैं कैची धाम पहुँचने वाले हैं। तो ये उसकी मार्केट है, तो काफ़ी यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले इतनी मार्केट नहीं थी यहाँ पे, काफ़ी अब रौनक रहने लगी है यहाँ पे। तो हर समय ना यहाँ पे भीड़ रहती है। ये कैची धाम मंदिर का मार्केट है ये। और ये है पार्किंग। पार्किंग ना काफ़ी बड़ी बना दी है ये, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव हो चुका है, और जब से यहाँ पे महेंद्र धोनी और विराट कोहली आए हैं, तब से ना यहाँ पे कैची धाम में लाइन लगी रहती है। नहीं तो आगे पीछे तो खाली रहता था, नहीं आजकल जब भी देखो तो यहाँ पे लाइन लगी रहती है। तो अभी हम रानीखेत को निकल पड़े हैं, और उधर वाली रोड जाती है अल्मोड़ा को। तो ये पुल है रानीखेत का, और ये देखिए ये जो भवाली से जो ये नाला आता है, नदी आती है, ये पानी है उसमें, ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत कम पानी है ये। तो ये आगे जा कर के ना कोसी में मिल जाता है। तो यहाँ पे नदी नाले इतने हैं ना, तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कौन सा नाला कहाँ से निकल रहा है। और जब तक उतर के देखो ना अच्छे से, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बाइक में तो तभी भी समझ में आ जाता है, और जब बस में जाते हैं ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है। तो अभी तो मुझे पता चल गया है कि कौन सी नदी कहाँ को जा रही है, कहाँ को मिलेगी, कौन सा नाला कहाँ को आ रहा है। तो सब ये बाइक में जाने का ना यही फ़ायदा है, तो सब पता चल जाता है। बस में ना नींद आ जाती है, इसलिए पता नहीं चलता। खैरना, और खैरना के पास सबसे ज़्यादा जो रोड ख़राब है वो यहीं पर ही है, तो बहुत डर लगता है यहाँ पे, दो गाड़ी पास भी नहीं हो पाती है।
गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। तो पीछे से पत्थर गिर रहे थे और हम पास में ही वहाँ पे खड़े थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा था तो कहीं हमारे ऊपर पत्थर ना गिर पड़े। तो मैंने पहली बार फेस टू फेस देखा कि पत्थर कैसे गिरते हैं। खैना से थोड़ा आगे जाके हमने खाए पकौड़ी और रायता, जो 40 रुपये प्लेट थी, ठीक हो रहा था खाने में, टेस्टी हो रहा था। अभी हम खैना के पास हैं और खैना से आगे हैं थोड़ा, अभी यहाँ पे हमने थोड़ा पकौड़ी और रायता खा लिया है जो काफ़ी टेस्टी हो रहा था ये। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे रानीखेत। और अभी ना यहाँ पे इतना काम चल रहा है सड़कों का, क्योंकि सड़कों की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है और एक जगह पे इतने पत्थर गिरे थे ना वहाँ पे, और वहाँ पे ही जाम लगा हुआ था तो बड़ी डर लग रही थी। तो कैसे तैसे हम निकल के आ गए हैं आगे ये, तो इसलिए हम वहाँ पे रुके भी नहीं ज़्यादा। तो अभी हम थोड़ा आगे हैं, खैना से आगे हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए कितना सुंदर व्यू है, ठंडी ठंडी हवा, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी हम पहुँच चुके हैं गन्यादोली, तो गन्यादोली में इनको जाना था अपने दोस्त से मिलने, तो पहले हम जाएंगे इनके दोस्त से मिलने फिर जाएंगे रानीखेत। तो अभी हम जा रहे हैं ये ताड़ेखेत वाली रोड में, तो इधर ही को उनका घर है और जहाँ पे हमें जाना है ये है वो घर। तो दोस्तों तो मिले नहीं, हम भाभी जी से मिल लिए और भाभी जी से मिल के फिर से चल पड़े हम गन्यादोली को। तो गन्यादोली में भी हमें ना अपने पुराने पड़ोसियों से मिलना था। तो गाइज हमें जो ये कमरा दिख रहा है इसमें रहते थे पहले, और उसके बगल में हमारे साथ की थी मीनू, वो रहती थी। और तो अभी यहाँ पे काफ़ी चेंज कर दिया है ये, कमरे की याद है मम्मी की, मम्मी का कमरा ये मुन्नी की मम्मी का कमरा है। ये है गन्यादोली जहाँ पे हम रहते थे, ये छत, टेनिस वो खेलते थे यहाँ पे हम, बैडमिंटन। यहाँ पे इनको बोला मैंने फ़ोटो खींच दो, तो जब भी इनको फ़ोटो खींचने के लिए बोलो तो ये वीडियो बना देते हैं, तो आज भी इन्होंने ना वीडियो बना दी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शादी में, चलो फिर बाय, आना अब हल्द्वानी कभी। हाँ चलो टाटा बाय। हाँ हाँ रानीखेत पहुंच चुके हैं हम, नीचे गांधी चौक से नहीं जा करके ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि जहां पे हमें शादी में जाना है वो इसी रोड में है, तो इसलिए हम ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं। महिला संगीत भी अटेंड कर लिया है और जयमाला भी हो चुकी है और सभी लोग खाना खा के अब जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी अब शादी की तैयारी करेंगे और हम लोग जा रहे हैं अब वापस हल्द्वानी को। तो बाइक से आना अच्छा लगता है, कार में तो बहुत परेशानी हो जाती है। खाना खा के दूल्हा दुल्हन चले भी गए हैं नीचे और हम जा रहे हैं हल्द्वानी को। ये आगे है लड़की पापा, कहाँ चलाते हैं हल्द्वानी वापसी के टाइम। यहाँ पर सड़क में इतने सारे पत्थर गिर रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई थी और वहाँ पे तो ना हिम्मत भी नहीं हो रही थी जहाँ पे इतने सारे पत्थर गिर रहे थे। और ये देखिए सारी रोड पत्थरों से भरी हुई है, यहाँ पे तो कुछ भी पत्थर नहीं है और इससे पहले इतने सारे पत्थर गिरे हुए थे तो वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हिम्मत करके अपना कैमरा खोला और थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि इतनी डर लग रही थी ना, ऊपर से जली हुई लकड़ियाँ गिर रही थी, पत्थर गिर रहे थे, तो फ़ोन खोलने की तो हिम्मत ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ना सफाई भी करते जा रहे हैं पत्थरों की, तो बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। किसी भी तरह से ना हम यहाँ पर से निकलते हुए आए। और ये है रात का व्यू हल्द्वानी का, तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, ये देखिए पूरे लाइट से चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से हल्द्वानी का व्यू। तो अंधेरा हो गया था हमें जाते हुए। तो ये था हमारा हल्द्वानी से रानीखेत और रानीखेत से हल्द्वानी तक का ब्लॉग। तो दोस्तों इस ब्लॉग को अब हम यहीं पर करते हैं समाप्त हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए बाय बाय।